नवी मुंबई तुर्भे के पूर्व नगर सेवक सुरेश कुलकर्णी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में अपने क्षेत्र के गरीब और जरूरतमंद लोगों को राशन के किट बांटे। कोरोना काल में जिस तरह से लोगों में खाने की समस्या सबसे अधिक है, क्योंकि लोग काम पर नहीं जा पा रहे हैं, इसी बात को ध्यान में रखकर पूर्व नगर सेवक सुरेश कुलकर्णी ने 15,000 लोगों तक खाने का किट पहुँचाने की मुहिम को पूरा किया है। उन्होंने बताया कि पिछले 4 महीने से जिस तरह से लॉकडाउन जारी है, लोगों के घर घर पहुंचकर सेवा करने की जो उन्होंने मुहिम छेड़ी है, वह आगे भी जारी रखेंगे। आज का कार्यक्रम 15 अगस्त के माध्यम से हम लोग ये कार्यक्रम लिए। सुबह हमारा जो जितने भी युवक के पदाधिकारी है, अभी अपन तो आज गणपति नहीं बैठेंगे, 150 का गणपति है, उससे अच्छा हम लोग ये धान्य वाटप का कार्यक्रम लेंगे। यहाँ हमारे विभाग प्रमुख है, सब शाखा प्रमुख, जितने भी हमारा पदाधिकारी है, उनके माध्यम से हम लोग ये कार्यक्रम दादा ऐसा करने के बोले, वो हिसाब से हम लोग 12,000 घर में सबको धान्य बांटने का प्रोग्राम लिए। अभी तक कितने लोगों को आपने धान्य बांटा किया? वैसे तो बंद हो गया तब से 4 महीने से, कम से कम दो दो तीन तीन ट्रिप हो गए, राउंड हो गए, और दो राउंड हो गए, ये तीसरा चल रहा है। संजय श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज़, नवी मुंबई।